In design and analysis of algorithm, usually the second method is used to describe an algorithm. Mostly जो वो कह रहे हैं कौन सा method use होता है? Second method जो आप लोगों के पास algorithm का है वो ज़्यादातर use होता है. ये दोनों algorithm बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई भी problem नहीं है. algorithm one भी ठीक है, algorithm two भी ठीक है. इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, no issue. और मैं उम्मीद है कि आज assignment भी दो गया. लास्ट जो आपने दो तीन लेक्चर पढ़े हैं या आज वाला लेक्चर, इसको ऐड करके छोटी सी असाइनमेंट होगी जो कि कल तक आप लोगों ने कंप्लीट करनी होगी. इट मेक्स इट इजी फॉर द एनालिस्ट टू एनालाइज द एल्गोरिथम इग्नोरिंग ऑल द अनवांटेड कंडीशन. तो ये जो भी चेकर होता है, जो इस चीज़ को चेक कर रहा होता है, वो उसके लिए बहुत आसानी होगी तो एल्गोरिथम को जल्दी से देख ले और उसको गैर जरूरी चीज़ें ना देखनी पड़े, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये पांच स्टेप हैं. लास्ट जो एल्गोरिथम ऊपर था उसमें मेरे ख्याल में 7-8 यानी कि स्टेप्स थे. तो पांच स्टेपों में बात क्या है कंप्लीट हो रही है, 8 स्टेप में भी बात कंप्लीट हो रही है. तो इसलिए उसने कहा है कि वो एल्गोरिथम 2 को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें स्टेप्स की तादाद कम है. स्टेप्स की तादाद ज़्यादा भी हो जाए तो मसला नहीं है, एल्गोरिथम फिर भी ठीक है और वो भी एल्गोरिथम ही है. राइटिंग स्टेप नंबर इज ऑप्शनल. स्टेप नंबर जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये लाजमी नहीं होता, ये आपकी मर्जी होती है ये साथ में लिखें या ना लिखें, ठीक है? वी डिजाइन एन एल्गोरिथम टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. हम कोई सा भी जो एल्गोरिथम बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो किस लिए लिख रहे होते हैं कि हमने अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है, उसको सॉल्व करना होता है. अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन मोर देन वन वेज. एक से ज्यादा तरीकेकार से भी प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है, डील किया जा सकता है. इसी तरह ये कोई सी भी प्रॉब्लम है उसके एक से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं. ये उसने कोई एक डायग्राम से बना कर दिखा दिया. Hence, many solution algorithm can be derived from a given problem. ज़्यादातर algorithm जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो problem को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं. problem जैसी हो कि उसी problem को ही देखते हुए बनाए गए कि उसके लिए कितने algorithm बनाए जा सकते हैं, 2, 3, 4 जो भी हैं. So, the next step is to analyze those proposed solution algorithm and implemented the best suitable solution. और next पर देखते हैं कि इनके लिए सबसे जो best algorithm है वो कौन सा है. सारी बात है बेस्ट एल्गोरिथम वही होगा जिसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, कम होंगे. तो इसलिए आप नंबर ऑफ स्टेप जिसमें कम होंगे उसी एल्गोरिथम को क्या है, फॉलो करेंगे. वैसे तो किसी को भी फॉलो किया जा सकता है, गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन प्रेफर किसको करते हैं जिसमें स्टेप्स की तादाद कम होती है. फिर उसके बाद है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस. ये कुछ आपके पास हमने कोई सा भी टास्क या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने उस दिन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्पेस कंजप्शन और टाइम कंजप्शन के बारे में, कि आप लोगों के पास कोई सा भी जो काम परफॉर्म हो रहा होता है, चाहे वो सर्चिंग हो रही है, चाहे वो डिलीशन हो रही है, चाहे वो आप लोगों के पास अपडेशन हो रही है डाटा की, तो उसमें आप लोगों के पास टाइम भी यूज होता है, जारी बात है उसमें कोई ना कोई मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए स्पेस भी यूज हो रही होती है. और आपके पास डाटा स्ट्रक्चर वही अच्छा होता है जो कि टाइम भी कम ले रहा हो और स्पेस भी कम ले रहा हो. और आप अपने डाटा को अरेंज करके नहीं रखोगे तो आप लोगों के पास उसको सर्च करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और उसको स्टोर करवाने के लिए स्पेस भी ज़्यादा लग सकती है. लाजमी होता है कि डाटा को जब भी अरेंज करें, स्टोर करें, तो किसी न किसी डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही अरेंज करें. तो अभी उसी टॉपिक उसी बात को आगे हम मूव करते हुए एक चीज़ पढ़ेंगे, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, जो कि हमें बताते हैं कि ये वाला जो हमारे पास केस है, ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाली जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की नेचर कैसी होगी. मैंने ये बताया था बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, उस दिन हमने ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन ये थोड़ा सा डीपली उसके बारे में बता रहा है. एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम रेफरेंस टू द डिफाइनिंग द मैथमेटिकल फाउंडेशन फ्रेमिंग ऑफ इट्स रन टाइम परफॉर्मेंस. यानी किसी भी एल्गोरिथम की जो रन टाइम की परफॉर्मेंस होती है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो एनालिसिस किए जाते हैं, उस एनालिसिस को क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस. यूजिंग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वी कैन वेरी वेल कंक्लूड द बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ एन एल्गोरिथम. जब हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि ये वाला एल्गोरिथम कौन से केस में जा रहा है, क्या ये बेस्ट है, एवरेज है या वर्स्ट केस है. एसिम्प्टोटिक एनालिसिस रेफर्स टू द कंप्यूटिंग ऑफ द रन टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इन अ मैथमेटिकल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटेशन. यानी किसी भी एल्गोरिथम के रन टाइम को आपने मद्देनजर रखना है कि ये टाइम कितना टाइम ले रहा है ये हमारा एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके बिहाफ पे हम इसके डिसाइड करेंगे कि ये कैसा एल्गोरिथम है या इस एल्गोरिथम का जो नेचर है वो कैसी है. यूजुअली देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ
केसेस दैट आर बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस. बेस्ट केस कौन सा होता है? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ऐसा केस जिसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए सबसे कम वक्त लगता है, वो कौन सा केस होता है? बेस्ट केस होता है. एवरेज टाइम टू रिक्वायर टू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ऐसा प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए या उसकी आउटपुट लेने के लिए आपके पास क्या है, मतलब दरमियाना टाइम लगता है, नॉर्मल टाइम लगता है, तो वो आपके पास क्या होगा? एवरेज केस. इसी तरह मैक्सिमम टाइम, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहा होगा प्रोग्राम की आउटपुट लेने के लिए, वो क्या कहलाएगा? वर्स्ट केस. अब उनके लिए कुछ सिंबल्स, अलामत भी बनाई गई हैं हर एक चीज़ के लिए. एसिम्प्टोटिक नोटेशन जिनको कहा जाता है, अभी हमने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस देखे हैं कि वो तीन तरह के होते हैं, अब उनके लिए नोटेशंस कुछ अलामत भी हैं. फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशन टू कैलकुलेट द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम. किसी भी एल्गोरिथम के रनिंग टाइम की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम उनके लिए कुछ नोटेशन भी डिफाइन करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ओ नोटेशन. इसको बिग ओ भी कहते हैं, बिग ओ. ठीक है, बिग ओ. उसके बाद है ओमेगा नोटेशन. उसके बाद आपके पास क्या है? थीटा नोटेशन. बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा. अब बिग ओ क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, कौन से केस में ये सूटेबल होता है, ओमेगा कौन सा होता है और कौन से केस में इसको हम यूज करते हैं, एंड थीटा नोटेशन क्या होती है, इसको हम कौन से केस में यूज करते हैं. बिग ओ नोटेशन, ओ ऑफ एन भी इसको कह सकते हैं, इसमें ओ यूज हो रहा है, इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड्स ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम. इट मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एट द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. बात आ गई कि बिग ओ वहाँ पे यूज होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आप लोगों के पास क्या है, वर्स्ट केस होता है किसका, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का, उसको हाईलाइट करवाने के लिए हम बिग ओ का सिंबल भी यूज कर सकते हैं. बिग ओ या वर्स्ट केस एक ही चीज होती है. ठीक है, वर्स्ट केस कौन सा होता है? जिसमें ज्यादा वक्त ज़ाया होता है, ज्यादा वक्त लगता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है? ओमेगा नोटेशन. द नोटेशन ओमेगा ऑफ एन इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम. इट मेजर्स द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसमें क्या होता है? बेस्ट केस जो सबसे कम वक्त ले रहा होता है, जो प्रॉब्लम बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाती है, उसको हम कौन से सिंबल से हाईलाइट करते हैं? ओमेगा नोटेशन से. ओमेगा नोटेशन किसके लिए होता है? बेस्ट केस के लिए या मिनिमम टाइम के लिए. और बिग ओ नोटेशन किसके लिए होता है आपके पास? वर्स्ट केस या मैक्सिमम टाइम के लिए. लास्ट वन आप लोगों के पास है थीटा नोटेशन. तो थीटा नोटेशन ऑफ एन इज नॉर्मल फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द बोथ लोअर एंड अपर बाउंड. जिसमें अपर बाउंड भी आ जाती है, लोअर बाउंड भी आ जाती है, तो मतलब ये नॉर्मल होगा, सेंट्रल होगा. जो एवरेज केस होता है वो किसके लिए होता है? थीटा होता है. ठीक है, जो बेस्ट केस होता है उसके लिए ओमेगा नोटेशन होती है, और जो आप लोगों के पास वर्स्ट केस होता है, जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, उसके लिए नोटेशन कौन सी होती है? बिग ओ नोटेशन होती है, उसके लिए ओ यूज किया जाता है. ओ और थीटा, ये तीन तरह की नोटेशन होती है, तीन तरह के डिफरेंट केसेस के लिए. तो बाकी ये जो थ्योरी है, इसमें थ्योरी मोस्टली तो हमने स्टडी की है, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ इसलिए आज का लेक्चर ये वाला दिया है क्योंकि हम चूंकि इससे पहले के आगे डाटा स्ट्रक्चर, जो आपके एसएल डाटा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से एसएल डाटा स्ट्रक्चर है जो हमने स्टडी करने हैं, ये वाला स्टडी करने हैं हमने. लिंक लिस्ट क्या होती है, अरेज क्या होती है, स्टैक क्या होते हैं, क्यू क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, इसी तरह ट्रीज क्या होते हैं, हमारे असल टॉपिक्स ये हैं. ठीक है, तो इन टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ओवरऑल यानी कि डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं. डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा क्या है, उसके लिए डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, डाटा को क्या अरेंज किया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, उसके ऊपर फिर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या हम डाटा को सर्च कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, या उसकी मतलब इंसर्शन कर रहे होते हैं, या रीडिंग कर रहे होते हैं, हम क्या काम कर रहे होते हैं, और किस काम को करने के लिए हमारे पास टाइम